द आर्ट गैलरी अमदावादनी गुफा खाते बरोड़ा अमदावादना कलाकारों एक खूब सुंदर प्रदर्शन गोठवायु एम एंथोलॉजी पर बात है। एंथोलॉजी एटले धारो के कवि पोतानी हृदयनी भाव साथेनी एक वात ज्यारे करे छे रजू करे छे एक पंक्तिनी रचना के काव्यनी रचना थाय छे एज वस्तु ज्यारे कलाकार पोतानी कलाकृतिनी अंदर उतारवा ज्यारे मथे छे एनु एक नवु सर्जन थाय छे त्यारे आखी वात बदलाई जाय छे। चित्र द्वारा जयरे पंक्ति रजू करवामां के कोई भाव रजू करवाना होय त्यारे बहु अघरी वस्तु होय छे। एवा भावने लई अने आ प्रदर्शननी अंदर कलाकारो पोताना आगवी शैलीमां खूब ज सुंदर कला सर्जन लईने आव्या छे माणवा जेवू छे। एमां ईंट पतली ईंट ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस द्वारा एक लेयर चढ़ाई एनी ऊपर कलर नी ट्रीटमेंट आपी एंटीक चित्रों जे वर्षों जूना होय एवी एक इफेक्ट साथे एक चित्रकारे पोतानी वात रजू करी छे। तो नानी मोटी साइज नी अंदर पोतानी शैली में अद्भुत रीते पोताना भाव रजू कर्या छे एवा पण चित्रकार छे। આપણે પ્લેટ જે કહેવાય કે તાંબા પિત્તળની પ્લેટ સ્ટીલની પ્લેટ એ સ્ટીલની પ્લેટ કે તાંબા પિત્તળની પ્લેટ ઉપર એન્ગ્રેવથી આપણે ચિત્ર ઉપસાવવું હોય ત્યારે બહુ અઘરી વસ્તુ છે। જૂના જમાનામાં આપણે વાસણો ઉપર જે નામ કોતરાવતા હતા એ પદ્ધતિથી આજે પક્ષીઓ પ્રાણીઓની આખી આકૃતિઓ ઉપસાવી અને એટલી સુંદર રીતે રજૂ કરી છે તેવી વિવિધ કલાને લઈને આ પ્રદર્શન અહીંયા યોજાયું છે અને દર વર્ષે આ લોકો બે પ્રદર્શન અમદાવાદની ગુફા ખાતે આવી રીતે જુદા જુદા ખૂબ જ દિગ્ગજ અને સારા ચિત્રકારોનો શો અહીંયા આગળ યોજે છે એટલે એ માણવા જેવો છે। અને આપ આવો અમદાવાદની ગુફામાં આ રવિવાર સુધી આવશો બારીકી સે દેખ રહે વો બારીકી સે દેખને કી વજહ ખાસ હોતી હૈ કે આજકલ ઇતના નયા મીડિયમ ઇતની નઈ ટેકનિક સે કલાકાર કામ કરતે હૈ કે હમ ખાયત કભી કભી પુરાના જમાને કે લગતે હૈ દેખતે હૈ ક્યોંકિ હમ જબ 40 સાલ 50 સાલ પહેલે ફાઇન આર્ટ સે નિકલે તબ દો ચાર ચીજો મે કામ હોતા કરતા થા અબ તો ઇતની ટેકનિક ઓર ઉસમે નયા જો મીડિયમ આયા હૈ ડિજિટલ કા ઉસસે ઇતની સંભાવનાએ બઢ ગઈ હૈ कि हमको भी कई बार आर्टिस्ट का काम के सामने देखकर कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे किया गया है खुद ही गया है तो भी फिर भी होता है इसलिए हम लोग पूछ लेते हैं ये क्या क्या और सही में हम देखते हैं कि उन दिनों में एक काम पतला करने के लिए हमारे पास क्रॉकविल के अलावा कुछ नहीं था वही क्रॉकविल से काम करते थे आज भी उसका मायना है अलग बात है लेकिन उससे अलावा इतने अलग से नीब आ गए इतने हर एक कलर के लिए हर एक चीज के लिए हर एक टेक्सचर के लिए आपके पास अलग फूल है तो पहले हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम लोग ये बात करते हैं। अच्छा अब मैं जब तक कलाकारों की बात करूं तो कई कलाकारों के काम मैंने आगे देखे हुए कई मैं पहली बार देख रहा हूं लेकिन अच्छी बात है कि जो नए उभरते हुए कलाकार को प्रोत्साहन कर रहे हैं वो बात है और सब अपनी अपनी टेक्निक से अलग अलग सब्जेक्ट पर कर रहे जो मुझे बड़ोड़ा स्कूल से थोड़ी जो शिकायत थी कि बहुत भारी हम सब्जेक्ट से काम करते हैं बहुत अब वह नहीं रही अच्छा हड़वा हो रहा है मतलब आप आराम से देख कर कर सकते नहीं तो जब मैंने जब पढ़ाई की तब मैं देख रहा था तो कई बार वो बहुत हैवी सब्जेक्ट और इसके पीछे इतनी सोच होती है ना कि वहाँ पेंटिंग मर जाता है और आइडिया बाहर आ जाता है तो यहाँ पर पेंटिंग जिंदा रहा है पेंटिंग कर रही है सबने अपने अपनी तरह से काम किया है। दूसरी बात बड़ोड़ा की जो सबसे अच्छी बात है कि प्रिंट मेकिंग करने से ये आपका जो स्किल डेवलप होता है और वही स्किल का आपने अपने पेंटिंग को इस्तेमाल किया है वो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है तो मैं सभी आर्टिस्टों को बधाई देता हूँ और बढ़िया सा काम करते रहो यहाँ शो करते रहो
सबको मेरी ओर से। अभी 2 साल के बाद कोरोना चला गया, शायद लोग मानते हैं कहीं ना कहीं होगा, लेकिन अहमदाबाद में कोरोना दिखता नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक गैलरी में कुछ ना कुछ बहुत जल्दी से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यानी कि कलाकृतियाँ कलाकार सब नए नए आ रहे हैं। 2-3-4 साल से, कितने साल से आप स्पॉन्सर किए? 7 साल से ये बड़ौदा के यंग पेंटर्स को किसी न किसी ढंग से यहाँ लाते हैं, और उसके पीछे एक अच्छा सा सिलेक्शन रहता है, क्योंकि बड़ौदा तो बहुत करीब मेरे 200-300 यंग पेंटर्स हैं जो अलग अलग जगह बैठ के काम करते हैं। अभी मैं किसी से बात करता हूँ, वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सर्वाइव हो जाते हैं, तो सर्वाइव और काम करना, लेकिन जो आजकल जो आइडियोलॉजी है काम के पीछे, काम करने का तरीका, काम के बारे में सोचने का, यानी सब्जेक्ट, मटेरियल, साइज और प्रेजेंटेशन, तो जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती है। लगता है कि सारे देश में अभी जो यंग पेंटर्स, यंग आर्टिस्ट काम करते हैं उसमें ये जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ौदा की जो अपनी एक आइडेंटिटी है काम दिखाने, काम करने की, काम दिखाने की और काम की सोच, वो एज एग्जाम्पल यहाँ आज दिखती है। और काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई काम में समझ नहीं पड़ता, देखने वाले को समझ नहीं, तो सिंपल से सब्जेक्ट, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आज के समय का है। हम भी ऐसे फुलझाड़ बनाते थे, लोग बनाते थे नेट के, लेकिन आज वही चीज़, क्योंकि हम ह्यूमन बींग इन चीज़ों से दूर नहीं जा सकते, लैंडस्केप या पोर्ट्रेचर या जो भी, लेकिन जो आज का युवा काम करके दिखाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आज की बात जरूर लाते हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो आप जीते हो वही चीज़ यहाँ आई है, और मीडियम साइज बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, और अच्छा है कि आप हर साल ये चीज़ ये काम दिखाते हो। अहमदाबाद में तो अभी शुरू हो गया है मौसम, लगता है कि बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में मिलेगी, आज भी ये सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। ऐसे ऑल द बेस्ट आर्टिस्ट, ओल्ड फ्रेंड अनिल भाई, वृंदावन सोलंकी, ऑल द आर्टिस्ट एंड ऑडियंस फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर दिस पेंटिंग्स टू यू नो अ फिल्म। फिल्म टेक्स यू नो जस्ट यू गो फॉर 3 hours, मे बी गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR, यू जस्ट गो फॉर 3 hours एंड सी द मूवी, बट बिहाइंड दैट टेक्स two to three years टू मेक अ मूवी। Similarly, this we just glance and go out, but not knowing how much pain and how much time and how many cups of tea, coffee the artist must have had making all this. So it's really good what I've seen just in a glance. A wonderful job, and curator and person who sponsored all this. Thanks to them. And I tell you, we have been. I've just come from Dubai. There's an art thing they've done, like you know how they have shades in Bombay, like Mill, like that, they've come out with very good galleries there. But we are no less with the Hussein Gufa and Doshiji and this place. Ours also is equally good. Only thing now, COVID being reduced, thanks, it's there in Shanghai at least, so where it has started from and spread. But it's gone here, and I think it will be very good for the artists now to come up. And I wish people buy them also, so they earn some money and they can also grow. Thank you very much.